तक ये चंद एक घराने लूट खा गए, खजाने छीने सबके आशियाने। अब जो पकड़े गए हैं चोर, मचाएंगे शोर। मुझे क्यों निकाला, किस बात पे निकाला, ऐसा क्यों रे कर डाला। मुझे क्यों निकाला, किस बात पे निकाला, ऐसा क्यों रे कर डाला। कहते हैं मुझे क्यों निकाला, किस बात पे निकाला, ऐसा क्यों रे कर डाला। मुझे क्यों निकाला, किस बात पे निकाला, ऐसा क्यों रे कर डाला। ओके लिसन, हमसे वोट मांगते हो कभी मजहब के नाम, कभी रियासत के नाम, अपनी सियासत के नाम। तुमने कर डाला हमें तकसीम, और जो गली के मोड़ पे खड़ा है यतीम, उसके हाथ ना किताब ना ही कांधे पे बस्ता, उसका बंद हर रास्ता, उससे गुर्बत के हाथों न चैन। पर तुम्हें क्या लगे, cause you don't give a damn man। मुझे क्यों निकाला, किस बात पे निकाला, ऐसा क्यों रे कर डाला। मुझे क्यों निकाला, किस बात पे निकाला, ऐसा क्यों रे कर डाला। कहते हैं मुझे क्यों निकाला, किस बात पे निकाला, ऐसा क्यों रे कर डाला। मुझे क्यों निकाला, किस बात पे निकाला, ऐसा क्यों रे कर डाला। कही थी कभी बातें इकबाल ने, जमाने के अंदाज बदले गए, मगर तुमने यूं जुलम डाया के यहाँ के हैं हालत बदले गए। दरिंदों की बस्ती में जिंदा हवा, कोई पूछता नहीं के क्या हुआ। लूट उठ के आई है बेटी वो घर को, जो निकली थी माँ की लेने दवा। माफी अब हो गया काफी, इस मुल्क और कौम से सहे दुख नहीं कौन से, बस कर दो ये ना इंसाफी। तुम्हें लगा था कि तुम रुक ना पाओगे, करोगे वही जो कुछ करना चाहोगे। बस 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 keep saying। मुझे क्यों निकाला, किस बात पे निकाला, ऐसा क्यों रे कर डाला। मुझे क्यों निकाला, किस बात पे निकाला, ऐसा क्यों रे कर डाला। मुझे क्यों निकाला, किस बात पे निकाला, ऐसा क्यों रे कर डाला। मुझे क्यों निकाला, किस बात पे निकाला, ऐसा क्यों रे कर डाला। मियां साहब को सुनाई की आबादी जो है 25 करोड़ हो चुकी है, तो मियां साहब मायूस हो गए। बेचारे जो है पहले ही बड़ा मायूस थे ना इली की वजह से, ये सुनकर और मायूस हो गए। और मुझे जो है उनकी मायूसी का अंदाजा उस वक्त हुआ है जो है जब मैंने उनके सामने अपने हाथों से निहारी बनाकर रखी है। तो मियां साहब कहते हैं यार ख्वाजे निहारी में से बोटियां निकाल दे। मैंने कहा यार ये बंदा जो है अंदर से टूट चुका है, क्या नहीं के अंदाजा लगाएं कि जो बंदा बकरा ईद पे सिंधा बकरे के पांव पहले कटवा देंगे पाए पंजे कुर्बानी बाद में होंगे। न्यारी में से बोटियां निकाल दो। मैंने कहा मियां साहब नहीं, मैं ये गुनाह नहीं कर सकता, अगर मैंने बोटियां निकाल दी तो बरोते हशर ये बोटियां मुझे गिरेबान से पकड़ेंगी और कहेंगी मुझे क्यों निकाला। चोर वेखो फिल फॉर जुत्ती लाओ, ओ झूठियां स्कीमां दा की बनूं। पीली टैक्सी ते जंगला सर्विस, ओ
ਫੇਰੀ ਟੈਕਸੀ ਤੇ ਜੰਗਲਾ ਸਰਵਿਸ ਬੱਲੇ ਵੀ ਫਰਾਡਾ ਤੇਰੀਆਂ ਹੋ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਗੱਡੀਆਂ ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਅੱਜ ਗੱਡੀਆਂ ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਗੱਡੀਆਂ ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਅੱਜ ਗੱਡੀਆਂ ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਵੇਖ ਕੇ सारी कौम का है तूने कबाड़ा कर डाला फिर पूछता है मुझे क्यों निकाला सारी कौम का है तूने कबाड़ा कर डाला फिर पूछता है मुझे क्यों निकाला जो लुट रही वो मेरी कौम जो मर रही वो मेरी कौम जो डर रही वो मेरी कौम जो लड़ रही वो मेरी कौम लुटते तेरे जैसों से ये मरते दहशत गर्दी से ये डरते डाला फिर पूछता है मुझे क्यों निकाला सारी कौम का है तूने कबाड़ा कर डाला फिर पूछता है मुझे क्यों निकाला मुझे क्यों निकाला ये वादे सारे झूठे थे ये बिजली पानी खेल रचाया अपनी जेबें भरता रहा तू ऑरेंज लाइन का पुल बनाया अपने ही वजीर बिठाए अपने ही मशीर बिठाए सारे मिलके लूट रहे हो सारी कौम को चे बनाया सारी कौम का है तूने कबाड़ा कर डाला फिर पूछता है मुझे क्यों निकाला सारी कौम का है तूने कबाड़ा कर डाला फिर पूछता है मुझे क्यों निकाला वाला केस चला तो साबित हो गई तेरी चोरी सारी कौम को लूट के खाया ऊपर से फिर सीना जोरी मौका मिला तो साइड से कट ले पकड़ा गया तो पिटेगा टकले सुना है मोदी यार है तेरा उसको भी तू बीच में रख ले सारी कौम का है तूने कबाड़ा कर डाला फिर पूछता है मुझे क्यों निकाला सारी कौम का है तूने कबाड़ा कर डाला फिर पूछता है शेर जाएगा पिंजरे में और बाहर बस इंसान सारी कौम का है तूने कबाड़ा कर डाला फिर पूछता है मुझे क्यों निकाला सारी कौम का है तूने कबाड़ा कर डाला फिर पूछता है आज 25 दिसंबर है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है मियाँ नवाज शरीफ आज पैदा हुए थे काश उसी दिन कह देते कि मुझे क्यों निकाला काश उसी दिन कह देते कि मुझे क्यों निकाला तो आज मुल्क के हालात मुख्तलिफ होते आज हज़रत ईसा भी पैदा हुए थे और मजबूरी है पाकिस्तान के बानी कायदे आज़म
मोहम्मद अली जिन्ना भी आज ही पैदा हुए थे। आज आम तातील है, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये तातील हज़रत ईसा की पैदाइश के सिलसिले में है, कायद की पैदाइश के सिलसिले में है, या नवाज़ शरीफ साहब की पैदाइश के सिलसिले में। हज़रत ईसा ऊपर चले गए, कायद ऊपर चले गए, नवाज़ शरीफ नीचे हैं। इसलिए लगता है मुस्लिम लीग नून ने आज की छुट्टी मियाँ साहब की पैदाइश के सिलसिले में दी। आज लाहौर में साद रफ़ीक एक मन का नाअहल केक काटेंगे, जिस पर जले हुए चिरागों को मरियम औरंगज़ेब फूंक मार कर बुझाएंगी और अल्लामा का मिसरा पढ़ेंगी, फूंक डाला है मेरी आतिश नवाई ने मुझे। अदबी कॉन्फ्रेंस में मुझे अदब पर बात करना चाहिए, मगर इस माहौल में जिन अदीबों का, जिन शायरों का, जिन सहाफ़ियों का, जिन तनकीद निगारों का मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ नहीं है, वह हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। टेलीविज़न के टॉक शोज़ में, अखबारों में, इश्तहारों में जो ज़बान सुनने को मिल रही है, उसको समझने के लिए एक नई लुगत चाहिए जो अब तक छपी नहीं है। दरिया से अलहदगी कतरे को वजूद मिलाती है, कतरा जो वसत तलब करता है समंदर बन जाता है, मगर कतरे की जगह जब कतरी ले लेता है मगर कतरे की जगह जब कतरी ले लेता है तो हर अदालत दीवानी हो जाती है और फैसले तुगयानी बन जाते हैं। उर्दू ज़बान में लिखने वाले ख़त कूफ़ी, नस्तालीक, ख़त शिकस्ता से वाकिफ़ हैं। ख़त कतरी पहली मरतबा उनकी नज़र से गुज़रा। ख़त कतरी की वजह से सिवाय मुस्लिम लीग नून के सारी दुनिया ने कतर से ताल्लुकात तोड़ लिए हैं, मगर मुशीरों वज़ीरों का खुशामदी टोला मियाँ साहब से कहता है गालिब के सारे खतूत एक तरफ, कतरी ख़त एक तरफ। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने गालिब के खतूत नहीं पढ़े, मगर कतरी ख़त 11 मरतबा पढ़ चुके हैं। इससे बड़ी बात नून के लिए और क्या हो सकती है। दूसरा कतरी ख़त आया तो मियाँ साहब कहने लगे एक एक कतरी का मुझे देना पड़ा हिसाब। कभी कहते हैं खुदाया जिस ख़ता की ये सज़ा है वो ख़ता क्या है। मियाँ साहब की साहबजादी मरियम कहती हैं दिल में फिर गिरिए ने एक शोर उठाया गालिब, आह जो कतरी ना निकला था सो तूफ़ान निकला। क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला, पूछना चाहता हूँ क्यों निकाला। अंकल ये कौन है? ये शबनम का आशिक है, शबनम ने इसे छोड़कर किसी और से शादी कर ली। अच्छा अच्छा, बड़े अफसोस की बात। हाँ, बहुत कौन है? ये वो है जिससे शबनम की शादी हुई थी। चल चल बकवास की बातें करता है, टाइम वेस्ट कर। चलो 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 अंदर जाओ। मैं आपका जीना हराम कर दूंगा। ये कौन? अरे यही तो शबनम है। क्योंकि जमहूरियत है, पेश करते हैं सियासत के ऐवानों में चलने वाला ड्रामा, मुझे क्यों निकाला। डॉक्टर साहब जो है अपनी जो है मियाँ साहब बीमार नहीं है, वो तो बस सिर्फ जो है अपना जो है वो उदास है। आप कोई उदासी का इलाज बताएं। शौहर और वजीर आजम जब नाहेल होता है तो सबसे पहले यही मर्ज लगता है। मैं नाहेल नहीं था, मुझे क्यों निकाला, क्यों निकाला मुझे। हौसला मियां साहब, क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला मुझे। काफी पेचीदा केस है, लेकिन आप फिक्र ना करें, इनका इलाज हो जाएगा। आज के बाद ये कभी नहीं कहेंगे मुझे क्यों निकाला है, क्यों निकाला है मुझे, क्यों निकाला है मुझे, मुझे क्यों निकाला।
आप इस तूफानी रात में लगता है आपके साथ साथ आपका हुकूमत भी जाती रही है। अच्छा जी साहब, मैं जब से आपको जानता हूँ आपने कभी अकल की बात नहीं की। है अमीर साहब, हमारा अकल होता तो हम आपका इताद ही होते हैं। अगर थोड़ी सी अकल है तो बस मेरे एक सवाल का जवाब दो। मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ मियां साहब, मैं तो आपका इताद ही है। मुझे पता था आपको सिर्फ जुगते आती हैं, जवाब नहीं आते। मियां साहब आप गूगल में चले जाओ ना, उधर से आपको जवाब मिल जाएगा। तुम दोगे मेरे सवाल का जवाब? मैथ का मुझसे मत पूछना मियां साहब, मैथ में बहुत कमजोर हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ मुझे क्यों निकाला। मियां साहब मेरा गला तो छुड़ा। मुझे क्यों निकाला? मैंने तो नहीं निकाला। मुझे क्यों निकाला है? आपका तबीयत ठीक नहीं है, आप अंदर चलो यार। मुझे क्यों निकाला? मुझे क्यों निकाला? मियां साहब इस पे सोचो। मुझे क्यों निकाला? मुझे क्यों निकाला? मुझे क्यों निकाला? मुझे क्यों निकाला? लॉरी दूध का कटोरी, दूध को उबाला, मुझे क्यों निकाला? मुझे क्यों निकाला? मुझे क्यों निकाला? बड़े मियां साहब की हालत मुल्की मईशत की तरह दिन ब दिन खराब होता जा रही है। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो, सिर्फ निकाला है, जेल के अंदर तो नहीं डाला। अपने मियां साहब जो खुदा का खौफ करे मियां साहब, वो अपने जेल का नाम लेके जो है डराए तो ना। वो जेल के तो जो है अपने जो है बाथरूम भी बहुत जो है गंदे होते। ख्वाजा साहब उन्होंने आपको बाथरूम में थोड़ा ही बंद करने, उन्होंने एक कमरा देने जेल के अंदर अलग। मेरी बात सुनो, मुझे अपने जो है मियां साहब का जो है इलाज कराना पड़ेगा। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो, दिल का बाईपास तो करा लिया है, अब क्या दिमाग का अंडरपास करा ले? नहीं नहीं, वो जो है वो उनका जो इलाज जो है किसी अच्छे से साइकाइट्रिस्ट से इलाज कराना पड़ेगा। हमारा भी एक वो जेनी वो ये वाला ख्वाजा साहब वाला वो आर्टिस्टिक क्या कहते हैं साइटाकास्ट क्या बोलते हैं, वो हमारा वाकिफ है, उसने हमारा घोड़े का इलाज किया था, वो बिल्कुल ठीक हो गया था। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो, मेरे पाजी शेर जरूर है लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि उनका इलाज जानवरों के डॉक्टरों से कराया जाए। हाजी हाजी बिल्कुल सही, आपने जो एमजी साहब जो है बिल्कुल बजा फरमाए, वो जो सियासतदानों का जो डॉक्टर है वो सियाना डॉक्टर होना चाहिए, जैसे कि जो अपना जो है वो परवेज मुशर्रफ का जो है डॉक्टर। मड़ा हमारा अमल भी एक बहुत अच्छा वाकफ है, मियाँ साहब को हम उनके पास लेके जाएगा, उसने बड़े बड़े लोगों का इलाज किया है। वो कैसे, वो सब ठीक हो गए? ठीक तो नहीं हुआ यार, लेकिन बड़े बड़े लोग उसके पास आती है वो ठीक हो जाती है। अच्छा शबाश, एक बात तो बताओ। बाजी 10 बातें पूछे बाजी। चलो फिर 10 बार बताओ, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला? आ गया ना फिर, चोरी का पता था तुम जरूर आओगे। तुमने फिर हमारी मुखबरी कर दी। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं बाजी, मैं वजीरे आला पंजाब हूँ, मुखबरी पंजाब तो नहीं। जल्दी जल्दी बता दे मालडोन की रिपोर्ट का। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो, वो रिपोर्ट राणा सुनाउल्ला के पास है। खैर कादरी बार बार हमसे ऐसी रिपोर्ट मांगते हैं जैसे यार उसने हमारे साथ एक्सरा करवाया हुआ है। पढ़ा तो गई यार,
मॉडलटाउन की रिपोर्ट होगी, स्कूल का बच्चे की सालाना रिपोर्ट होगी, जो मंगी जा रहे हैं, मंगी जा रहे हैं, मंगी जा रहे हैं। हमें रिपोर्ट चाहिए इससे पहले कि रिपोर्ट को आग लग जाए। आग तो नहीं लगेगा हमारा, लेकिन राणा सनाउल्ला रिपोर्ट को काने का कोशिश बहुत करेगा। अपने चौधरी साहब, हम जो है अपना जो है यहाँ पे अपने मियाँ साहब का इलाज करवाने आए हैं। मेरा इलाज? शबाज, मैं ना अहल हुआ हूँ, बीमार तो नहीं? नहीं 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 मियाँ साहब, वो नहीं थी, ऐसी बात नहीं है, आप तो माशाल्लाह फिट फाट हैं। वो आपको जो है भूख नहीं लगती, और इनकी जो है खुराक की नाली वो भी तंग हो गई। खाया साहब, सुबह तो आपके सामने मैंने 12 कुलचे 18 पाव का नाश्ता किया है। इसीलिए तो मुल्क पे कर्जे पे कर्जा चढ़ गया है। क्यों, मैं नाश्ते में कौमी खजाना खाता हूँ? जी मेरा मतलब है, नहीं जी नहीं जी। वो रिपोर्ट दे दो, नहीं तो साहब कहने लगोगे हमें क्यों पकड़ा, हमें क्यों पकड़ा। जो साहब मेरे पाजी का इलाज कर दे, मैं रिपोर्ट हासिल कर दूंगा। अच्छा फिर ठीक है, लिटा दो। शबाज, मैं सो गया तो तुम लोग भागना चाहो? क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं पाजी, भागने की आदत आपकी है मेरी नहीं। चोरी साहब मेरे पाजी का इलाज शुरू करें। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं चौधरी साहब, हम अपने पाजी का इलाज करवाने आए हैं, इनका मैदा छोटा करवाने नहीं आए। अपने क्या कर, वो अपना वो जो है आपने इलाज करना है कि हमारी जो है कटिंग करनी है। बरसों की करप्शन दिमाग में फंसी है, हट दर्मी की रसौली बन गई है, उसे काटना पड़ेगा। और सुनो और सुनो, ये रात तो कान से करप्शन की मैल निकालने के लिए है। जिथे जांदा गंजा रोला है, कोई पांदा चीका मारदा ते देंदा दुहाई वे, मुझे क्यों निकाला, बड़ी अंत ने पाई वे, मुझे क्यों निकाला। चल एक बार फिर सुन ले, जे तेनू हाले तक भी समझ ना आई वे, तुझे क्यों निकाला, बड़ी अंत ने पाई वे, मुझे क्यों निकाला। लुट पुट खा गया है तू, नसीब कौम दा गंजे अगदार है गए, तू गरीब कौम दा बदनसीब कौम दा। लुट पुट खा गया है तू, नसीब कौम दा गंजे अगदार है गए, तू गरीब कौम दा बदनसीब कौम दा। बोल देने आपो हराम ते फ्लैट अरबां दी जायदाद ते कमाई वे, तुझे क्यों निकाला, क्यों निकाला, पूछना चाहता हूँ क्यों निकाला। चोरा दा ए टबर जलील चंगा हो गया, सारी दुनिया दे सामने ए नंगा हो गया, वावा चंगा हो गया। चोरा दा ए टबर जलील चंगा हो गया, सारी दुनिया दे सामने ए नंगा हो गया, वावा चंगा हो गया। पूछ ओना कोलो जेड़े पले ने हराम ते हक दी ना जी ना कदी खाई वे, तुझे क्यों निकाला। साडे उत्ते बन के अजाब न खलोंदा वे, किन्ना चंगा होंदा जे तू पैदा ही ना होंदा वे, पैदा ही ना होंदा वे।
साडे उत्ते बन के अजाब न खलोंदा वे किन्ना चंगा होंदा जे तू पैदा ही ना होंदा वे पैदा ही ना होंदा वे काश कदी ऐसा होवे मिल जाए सानू ते पूछेंगे ये हम तेरी दाई से तुझे क्यों निकाला बड़ी अंत एने पाई वे मुझे क्यों निकाला जिथे जिथे जांदा गंजा रोला है कोई पांदा चीका मारदा ते देंदा दुहाई वे मुझे क्यों निकाला बड़ी अंत एने पाई वे मुझे क्यों निकाला। साडा पीएम गंजा वे बाबला वे साडा पीएम गंजा वे बाबला वे ने नस जाना ने नस जाना वे साडा पीएम गंजा नवाज शरीफ दी वड्डी टिंड शबाज शरीफ दी निकी टिंड राय विंड राय विंड राय विंड राय विंड साडा पीएम गंजा वे बाबला वे असान नस जाना सा ओ नस जाना साडा पीएम गंजा सारे गामा पाना मालिक पानी सानी दा पानी दा पाना मालिक आ गई राए विंड छोटी टिंड वड्डी टिंड राए विंड असान नठ जाना सा नठ जाना साडा पीएम गंजा ओ पानी सानी दा पानी दा पमगारे सा पाना मालिक साडा पीएम गंजा। यासिर शामी एक बाप एक नाम।